चर्बी व्यापारियों का उत्पीड़न किए जाने के खिलाफ समाज सेवा समिति ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन में कहा गया है कि चर्बी का प्रयोग ग्रीस, कपड़े धोने का साबुन बनाने तथा चमड़ा चमकाने में किया जाता है, लेकिन जब से असालतपुरा में पुलिस प्रशासन ने चर्बी का कारोबार बंद कराया है, तब से जानवरों का ओज इधर उधर बिखरा पड़ा है, जिसके सड़ने से भयंकर दुर्गंध फैल रही है। प्रदर्शन के दौरान इस वैध कारोबार से जुड़े गरीब मजदूरों का ख्याल रखते हुए चर्बी व्यापारियों का उत्पीड़न बंद किए जाने की मांग उठाई गई है। प्रदर्शन की बाबत जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष जावेद रशीद आमिर एडवोकेट ने हमारे सिटी न्यूज संवाददाता को बताया, चर्बी का कारोबार करने वाले जो असलतपुर में रहते हैं उन लोगों का कारोबार पोल्यूशन के नाम पे बंद कर दिया गया और कहा गया कि इस चर्बी से घी बनाया जा रहा, जबकि बिल्कुल गलत बात है। ये वहाँ पर चर्बी जो बनाई जाती है वो हाथों को सोडा कास्टिक में गलाने के बाद बनाई जाती है और ये चर्बी जो बनती है उससे चर्बी से सिर्फ साबुन बन सकता है, कपड़े धोने का और ग्रीस बनता है और इससे जो चमड़े की फ्रिज होती है वो होता है इससे। ये आपकी मांग है, हमारी मांग ये है कि जो कारोबार बंद कर दिया गया है पुलिस ने अपना दबाव दे करके उस कारोबार को फौरन शुरू किया जाए, जिससे वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो आंतें बच जाती हैं वो आंतें फीकी हुई हैं, वहाँ पर इधर उधर फीकी हुई हैं और उन हाथों से सड़न पैदा हो रही है, पूरा मोहल्ला सड़ रहा है। इसलिए वो तो पानी बन के गल के सब वो फीक जाता था, वो आज वहाँ पर जगह जगह पड़ा हुआ है और ये पुलिस प्रशासन जो है वहाँ पर चाहता है कि वहाँ बदबू से लोग मरने लगे। वहाँ भुखमरी पर पहुँच गए, 200 रुपए का कारोबार करने वाले लोग थे, ये मेहनत मजदूरी करके कमाते थे, आज उनके घर रोटी कोई लाले पड़ गए हैं, रोटी नहीं मिल पा रही है उन्हें। प्रदर्शन में अमीर फैसल, मोहम्मद रईस, सैयद वकील रशीद, फैज मसूद, इमरान अली, यासिर अराफात, अहमद नवाज, हाजी नसीम व मोहम्मद असलम आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।